गाइडलाइन ना बन जाए, अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में देश भर में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को संविधान के खिलाफ बताया और गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर चिंता भी जताई। कोर्ट का कहना था कि अगली सुनवाई तक हमारे आदेश के बिना देश में आपराधिक मामले के आरोपियों समेत कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले पर विपक्ष की ओर से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रौंदने वाली नीति एवं नीयत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। वो समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया कि बुलडोजर अन्याय स्वीकार नहीं है। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी एक्स पर लिखा, मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम बीजेपी की सस्ती लोकप्रियता वाली बुलडोजर नीति के धुर विरोधी रहे हैं। इससे कार्यपालिका द्वारा संविधान में वर्णित शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अतिक्रमण होता है और साथ ही नागरिकों की संपत्ति के वैधानिक अधिकार का अतिक्रमण भी। हमने कभी भी किसी भी मामले में किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग नहीं की है। हम अवसरवादी नहीं है। न्याय अन्याय की लड़ाई जाति धर्म से ऊपर उठकर लड़ते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला तानाशाही को रोकने वाला है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। इसके अलावा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, बुलडोजर अन्याय पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उचित प्रक्रिया का पालन होना ही चाहिए। राज्य सरकारें बदला लेने, सामूहिक दंड देने या भीड़ को खुश करने के लिए अक्सर बुलडोजर का इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पूरे मामले पर बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों पर तीखा हमला किया था। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, ये फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है, आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है।